अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मोटापा कम करने के लिए हमें कम तेल का कम घी का इस्तेमाल करना चाहिए ये तो हम सब जानते हैं लेकिन कितना कम कितने तेल का हम इस्तेमाल करें कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे हमारा वजन भी ना बढ़े और हमारे इम्यूनिटी पावर भी ठीक रहे सो so, फ्रेंड्स so, आज के अपने इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती है सबसे हैं। पहला सवाल आता है कि हमें कितने तेल का इस्तेमाल करना चाहिए देखिए फ्रेंड्स अगर बेसिक नीड की बात की जाए जो ऑयल की हमारी बॉडी में बेसिक नीड होती है हमारी हड्डियों को सही रखने के लिए हमारी हड्डियों के ग्रीसिंग के लिए जितने ऑयल के इस्तेमाल की जरूरत होती है उतना ऑयल हमारे शरीर को जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं दालें खाते हैं दूध पीते हैं दही खाते हैं ये जो चीजें खाते हैं इससे हमें जरूरत भर का तेल मिल जाता है यानी कि हमें अलग से तेल खाने की घी खाने की बटर खाने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप देखेंगे तो पहले के टाइम में लोग तेल का इस्तेमाल कम करते थे और मेहनत करते थे ज़्यादा ज़्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे अपने सारे काम अपने हाथ से करते थे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे उस केस में क्या होता था वो जो भी चीज़ें खाते थे सारी चीज़ें उनको डाइजेस्ट हो जाती थी लेकिन आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं घर के सारे कामों के लिए हमारे पास मशीन होती हैं या हम अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो वहाँ हमारा सिर्फ बैठने का काम होता है आने जाने के लिए हमारे पास वहीकल होते हैं यानी कि कुल मिला जो हमारा कैलरी बर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी कम है और जो तेल का कंजेंशन हम लोग करते हैं

तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या आपको बोन्स का प्रॉब्लम है आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको घी का तेल का इस्तेमाल बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए जो आप नॉर्मली अपने ग्रेन्स खा रहे हो दाले खा रहे हो या आप दूध पी रहे हो दही खा रहे हो इसे आपको ज़रूरत भर का ऑयल मिल जाता है तो ये तो एक जनरल बात हो गई अब लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बिल्कुल जीरो ऑयल पे आ जाएं या बिल्कुल ही तेल का इस्तेमाल बंद कर दें तो अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हो तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एक इंसान के ऑयल यूज़ करने की वो है फाइव एम पर डे समझ रहे हैं अगर आप एक दिन में पाँच एम तेल का इस्तेमाल करते हो पाँच एम का मतलब है एक चम्मच ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है उससे ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये कोई उस तेलिया घी की बात नहीं हो रही है जो हम अपने खाने के ऊपर से इस्तेमाल करते हैं चपाती पे लगाते हैं ये आपका ओवरऑल ऑयल है जिसमें आप कुकिंग भी करते हो या रोटी पराठे पे जो आप इस्तेमाल करते हो वो सारा मिला के आपको पांच एम तेल सफिशियंट है इतना ऑयल आपको खाना चाहिए अगर आपकी उम्र चालीस साल तक है अगर आपकी उम्र चालीस साल से ज्यादा है तब आपको ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा और कम कर देना चाहिए यानी कि जितना कम आप तेल का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और डायबिटीज ब्लड प्रेशर नफ से बीमारियां नहीं होंगी अगर आपको ऑलरेडी इनमें से कोई भी बीमारी है चाहे आपको डायबिटीज है आपको ब्लड प्रेशर है आपको बोन्स की प्रॉब्लम है है आपको nerves के है, तो आपको के इशू तो जीरो जीरो ऑयल ऑयल कुकिंग कुकिंग करनी चाहिए zero oil cooking से मेरा मतलब है कि आप जो भी चीजें खा रहे हो कोई भी आप दाल खा रहे हो सब्जी खा रहे हो या राइस अगर आप खा रहे हो तो वो सारी चीजें आपको बिना ऑयल के कुक करनी चाहिए ये सिर्फ एक मिसकनसेप्शन है कि अगर आप ऑयल नहीं खाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी आपके शरीर में ऑयल की कमी हो जाएगी आपकी बोन्स की ग्रीसिंग खत्म हो जाएगी एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता

हो सके कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो so फ्रेंड्स आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपना ध्यान रखिए खुश रहिए फिट रहिए थैंक यू